छंत्र क्या हो रहा है, एक मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया, छींटा मारा, बोले कौन हो, मेरे सामने आ जाओ। और एक बहुत ही भयंकर कंकाल उनके सम्मुख आ गया, और जब कंकाल को देखा उससे आवाज आ रही है, पहचाना भी नहीं जा रहा है, क्या है ये हड्डियों का ढांचा, भयभीत से हो गए। एक बार गोकर्ण जी पूरा कौन हो, उसने कह दिया अहम प्राता कदियोस्मि धुंधकारी तिनाम तो स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और मैं इस योनि में चला गया हूँ, भैया मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया श्राद्ध करके आया, तेरा पिंडदान कर दिया भाई, वहां तेरे निमित्त मैंने पिंडदान कर लिया है, तू यहाँ कैसे आ गया। धुंधकारी बोल पड़ा, भैया गया श्राद्ध से मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्यों गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर मे न भविष्यति उपायं परम तंचन तुम विचारय सांप्रतम। हे भैया तुम कुछ उपाय करो, क्योंकि तुम 100 गया श्राद्ध कर लो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, बड़े क्या करूं, बड़े भैया मुझे मुक्ति कर दे इससे, मैं बार बार पुकार रहा था, मैं रोज तड़प रहा हूं भैया, मैंने जब पाप किया ना उस समय मैं हंस रहा हूं था, मन से जब कोई भी पाप करता है, जिसे पाप कहते हैं, उस समय बड़ा खुश होता है, पर उसका जब परिणाम भुगतना पड़ता है तब रोता है, मैं आज ऐसे ही रो रहा हूँ। मेरे एक बुरे कर्म नहीं थे भैया, मैंने पता नहीं लाखों बुरे कर्म किए, और उसका आज परिणाम मैं कुछ नहीं खा पी पा रहा हूँ, मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मैं बार बार तुम्हें पुकार रहा हूँ भैया कि माता भ्राता पिता पुत्र कोप में वर्तते नवा यो माम धरते पापम पतंतम दुख सागरे। अरे मैं इस दुख के सागर में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे उबार दो भैया, मैं बार बार पुकार रहा हूँ तुम्हें, और मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था। गोकर्ण ने कहा भैया इस समय तू जा, कुछ उपाय करूंगा, पर तू जा यहाँ से इस समय, और यहाँ से अलक्षित हो गया। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी को, प्रातः काल उठे और ध्यान करने लगे, और साक्षात सूर्य नारायण की आराधना की, सूर्य के त्रिकाल समझा करते हैं गोकर्ण जी, और सूर्य महाराज से पूछ लिया हे सूर्यदेव इसकी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। और वहां से आकाशवाणी हुई है श्रीमद् भागवती कथा, हे गोकर्ण जी उसके निमित्त आप श्रीमद् भागवती कथा करो। श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम करु, इस सप्ताह यज्ञ को करो, और निश्चित ये दुरात्माएं उस वंश में भी हो, वहां जो भी दुरात्माओं को मुक्ति मिलती है, ऐसा जैसे बोला जब धुंधकारी शरीर के प्रेत इससे तर जाते हैं, तो और जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जो पुण्य आत्माएं, वो क्यों नहीं तरेंगी, इसने तो कई पाप किए थे। और गोकर्ण जी ने अब श्रीमद् भागवत की कथा अपने घर में की है, बोले भजन करत बिटिया भली विमुख नहीं भलपू सबरी सो बैकुंठ गई अधुंधकारी भयो भू। बोले ऐसे पुत्रों का क्या करना है, थे तो पुत्र पर वो धुंधकारी शरीर का पुत्र जिसका हो, बोले वो भूत बन गया, और बेटी हो तो सबरी जैसी हो। यहाँ पर भी जो इसके आयोजक हैं, मुख्य आयोजक, उन बेटियों ने ऐसा प्रमाण दिया कि अब जिसके सिर्फ बेटियां हैं ना, वो भी मुक्त हो जाएंगे। अपने पिता माता के निमित्त जिस यज्ञ का आयोजन किया, वो सब हम सबकी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं, अपने माता पिता को, अब अपने दोनों कुलों को उन्होंने तार दिया है। यहाँ गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं कि धन्या भागवती वार्ता। और वो प्रेत जो धुंधकारी था ना, जब वो कथा हुई तो उसमें 7 गांठ का एक बांस था, उस पर गया और वहां बैठ गया, और जब कथा हुई ना 7वें दिन पूरी, तो 7वें दिन वो जो धुंधकारी था एक दिव्य पुरुष के रूप में सामने आ गया, भागवत को उसने प्रणाम किया, भागवत की कथा गाई और हाथ जोड़ दिए भागवत के सम्मुख। वो प्रेत बोल पड़ा,
जो कर्ण जी कथा कर रहे हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी शब्दा हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा विद्यते हृदय ग्रंथी छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते सहस्र कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। इस भागवत की कथा सुनने से बोले मैं आज धन्य हो गया हूँ। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की सारी पीड़ाओं का विनाश करने वाली है। बोले जब मुझ जैसा पापी इससे तर सकता है तो और पुण्यात्माएं क्यों नहीं करत रहेंगी। ऐसा कहते हुए सारी पश्चिम होने लगी। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और यहाँ गोकर्ण जी ने पूछा, हे भैया रुक जा, तो जा रहा है ना, उसके लिए विमान आ गया है वही साक्षात उस कथा में। सत्युग की कथा है ना, इसलिए वहां कथा में ही विमान आ गया। और बोले उस विमान पर बैठने के लिए यानी विशेष मान दिया जा रहा है आज जिंदगारी को। और कुछ जब उसमें जाने लगे तो यहाँ गोकर्ण जी ने कहा, हे भैया थोड़ा रुक जा। बोले भैया एक ही विमान क्या हुआ यहाँ, और लोगों ने भी तो कथा सुनी यहाँ। बोले भैया इन सब लोगों ने सुनी तो है, पर कोई दुवन टाइम पास करने कोई मन मिटौन आया न, मेरे कब सही फुर्सत होने कल जाओ भाई, इसे जाने पड़ लो, अच्छे आदमी थे थोड़ा चले जाते हैं, कोई मन मिटौन आया न। बोले इस कथा में सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। बोले इसलिए नहीं आए विमान क्यों महाराज। बोले श्रवणस्य विभेदेना, अरे भेद है सुनने सुनने का, कोई सुनने लगी गलो बगल वाले पर भी ठसापन मान लगी हो रहे और गप्पन लगाने लगे। बोले भेद है भैया, श्रवण से विभेद है ना, श्रवण में भेद हुआ इनमें इसलिए ऐसा हुआ। बोले अगर श्रवण का प्रवेश न हो फल भेदो ततो जातो बजना। बोले ऐसा अगर भेद ना होता ना तो कई विमान आ जाते, सब लोग प्रसन्न हो गए। बोले आप ध्यान से सुनेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की हरि पर। ओम हरये नमः। 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 और इसके साथ भागवत की कथा के जो स्कंद है उनका एक विहंग अवलोकन का वृत्तांत आया। इस कथा में है क्या क्या। बोले पहले स्कंद में 19 अध्याय है, सुस्तौनक संवाद, भगवान के 24 अवतारों की कथा, महर्षि वेद व्यास का असंतोष, नारद जी का पूर्व चरित्र, उत्तरा की गर्भ रक्षा, कुंती द्वारा 26 श्लोकों में स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित का जन्म, परीक्षित को राजगद्दी सौंपना, पांडवों का सर्वांगारोहण, कलयुग का प्रवेश और सुखदेव जी का आगमन। दूसरे 12 स्कंद है इसमें। और दूसरे स्कंद में सुखदेव जी का कथारंभ, चतुश्लोक की भागवत का उपदेश और महापुराण के 10 लक्षण बनाए बताए गए हैं। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, विदुर मैत्रेय संवाद और सृष्टि क्रम का वर्णन, देव गण में आसक्त पुरुषों के अधोगति का वर्णन। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, शिव दक्ष का मनोमालिन्य, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र और पुण्योपाख्यान। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय है, प्रियव्रत का चरित्र, ऋषभ देव का पुत्रों को उपदेश, जड़ भरत के 3 जन्मों की कथा, जड़ भरत था रहु रत्नगण की भेंट। छठवें स्कंद में 19 अध्याय, अजामिलोपाख्यान और वृत्तासुर द्वारा चतुश्लोकी, मरुद्गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में 15 अध्याय है, युधिष्ठिर नारद संवाद, हिरण्यकश्यप का निग्रह और प्रहलाद द्वारा 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति। सातवें स्कंद में 24 अध्याय है, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, ये सब आया है। नौवें स्कंद में 24 अध्याय, भगवान राम का चरित्र चित्रण, अम्बरीश की कथा, सरिया की कथा। दसवें स्कंद में 90 अध्याय है, कृष्ण जन्म, नंदोत्सव, पूतना उद्धार, नामकरण संस्कार, उखल रंजन लीला, यमलार्जुन उद्धार, अगासुर का ब्रह्मांड, ब्रह्मा का मोहनाश, अब इस प्रकार से इंद्र का मोहनाश, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र। एकादश 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं और उसमें यदुवंश को ऋषियों का साप,
जिसे राजा नीली और नौ विश्व संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा और भगवान का सुधाम गमन 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। कलयुग के राजधर्म, कलयुग के दोषों से मुक्ता उपाय, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश और मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया का दर्शन। इस प्रकार से 12 स्कंदों में 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस भागवत तत्व का वर्णन भैया कौन कर सकता है? हम लोग तो सिर्फ अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयास करने चले थे और उसको प्रयास उस वाणी को पवित्र करने का मैंने भी प्रयास किया है, अन्यथा उस तत्व का वर्णन कौन कर सकता है? इस कथा के माध्यम से अगर इस कथा में कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो कि कथा अच्छी हुई, हमारी समझ में कुछ बात आई, तो वो उसमें मेरा कुछ नहीं है, उसका पुण्य उन्हीं आत्माओं के निमित्त है जिनके निमित्त इस यज्ञ का आयोजन किया गया, और उसमें मेरा भी कुछ नहीं है। मैं कहूं कि मेरा है, मेरा ज्ञान है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूं। मैं क्या तत्व का वर्णन करूंगा? उस परम तत्व का वर्णन। उसमें अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा है, वो मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, उन सबके आज पूर्ण फलीभूत हुए और इस कथा का आयोजन करने के लिए बड़ी मनोकामना थी मेरे पूज्य गुरुदेव, इनके दूसरे दामाद हैं श्री इंद्रमोहन बहुगुणा जी, उनके पिताजी पूज्य व्यास जी श्री दर्शनलाल जी बहुगुणा, जो जिन्होंने मुझे जब मैं भागवत कथा का प्रारंभ करने उनके पास दीक्षा लेने गया, उनकी भी मनोकामना, वो भी आज जिस रूप में होंगे कहीं ना कहीं इस गुरु को आशीर्वाद दे रहे होंगे। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि तेरी कथा मैं वहां पर करवाऊंगा, और हमारे संधि है ना वासुदेव जी उनियाल, उनके यहाँ से तेरी कथा मैं शुरू करवाऊंगा, पर भगवान की शायद ऐसी इच्छा उस समय नहीं थी, उनका मनोरथ भी उस समय पूर्ण नहीं हो पाया, तो उनका कृपा प्रसाद आज आत्मा वै पुत्र नामासी, उनके भी आज पुत्रों के रूप में कहते हैं कि पिता ही मौजूद होते हैं, उनके पुत्र भी, उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उनके ज्येष्ठ पुत्र जो हमारे यहाँ बीडीसी मेंबर भी हैं, बहुत ही सम्मानित पूज्य बड़े भाई श्री अनंत नारायण बहुगुणा जी, उनके द्वितीय पुत्र पूज्य भाई बाल मुकुंद जी बहुगुणा सपत्नीक आए हैं, और ज्येष्ठ मेरे बड़े भाई श्री इंद्रमोहन बहुगुणा जी और उनकी दोनों पुत्रियां श्रीमती इंदु उनियाल, उनके पति भी आए हैं श्री बहुत ही सम्मानित और बहुत ही पुण्यात्मा श्री दुर्गा प्रसाद उनियाल जी, और उनकी द्वितीय पुत्री श्रीमती मंजू, और उनके पति भी आए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वो सब पुण्यात्माएं हैं, उनका पूरा परिवार पुत्र पौत्र पूरा वंश यहाँ शामिल हुआ है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आज मेरे पूज्य गुरुदेव कभी मनोरथ पूर्ण हुआ होगा, और उसके बाद पूज्य स्वर्गीय श्री वासुदेव जी उनियाल, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी ऐसा कर पाता, पर उनका भी मनोरथ ऐसे ही रह गया। सोचा था कभी गुरु जी ये नहीं हो पा रहा है, भगवान की शायद उस समय इच्छा नहीं थी। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि कहीं मेरी पुत्रियां सेवा में आ जाएं, तो शायद वो कुछ कर्तव्य मैं कुछ करूंगा, पर भगवान की उस समय इच्छा नहीं थी। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती द्वारिका देवी उनियाल, उनकी बड़ी इच्छा थी, तब भी नहीं हो पाया, और आज उनकी पुत्रियों ने ये मनोरथ अपने पितरों का पूर्ण किया है। वो पुत्रियां सपरिवार उनके बड़े दामाद श्री नथीलाल जी कोठारी, उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी कोठारी, द्वितीय पुत्र दामाद श्री इंद्रमोहन बहुगुणा जी, उनकी पत्नी श्रीमती रमावती उनियाल, तृतीय दामाद श्री त्रीसराम तपलियाल जी जो विदेश में हैं इस समय, और उनकी पत्नी श्रीमती गणेशी, और उनके बंधु बांधव इनके श्री वासुदेव उनियाल जी के बंधु बांधव, उनके ज्येष्ठ पुत्र योगेश उनियाल, उनकी माता जी श्रीमती लक्ष्मी, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता, दूसरे मुकेश उनियाल उनकी पत्नी मीनू, और मनीष महेश उमेश, और इसका नाम छूट गया,
नरेश, हाँ श्री नरेश, उनकी पत्नी रूपाली, रूपाली, सुखदेव उनके पत्नी, श्रीमती बबीता, ये सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इनके बंधु बांधव श्री केशव आनंद जी उनियाल जो डटे हुए हैं, बोले वो तो पुण्यात्मा थे, उनके निमित्त अगर हम भी कुछ कर पाए तो हम भी उस यज्ञ में कहीं अपना कुछ योगदान दे पाए, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। इनके सारे पड़ोसी जिनका मैं बार बार नाम ले चुका हूँ, श्री रामलाल जी डोभाल, उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र पौत्र सब इस कर्म यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं। आप गांव के मैं सबका नाम नहीं जानता, ये नाम भी मैंने किसी ने दिए नहीं, अचानक ये भी व्यास गादी की कृपा है, तो वो उनका जिनका मैं नाम ले पाया। और हमारे मुख्य आचार्य जो श्री सुरेंद्र उनियाल जी, जिन सतत इस कर्म में लगे हुए हैं, इसको अपना ही यज्ञ समझकर, और हमारे सभी मंडली उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है, और बहुत अच्छा लगा हम सबको। हमें कोई एहसास नहीं हुआ कि कोई कष्ट हमें हो रहा है, बहुत ही अच्छे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ऐसे श्री सुरेंद्र उनियाल जी, श्री कोठारी जी, मेरा छोटे भाई श्री सुरेश बहुगुणा जी, और जो हमारे संगीत पर रहे, बहुत ही आकर्षक हर कार्यक्रम को जो बना देते हैं, ऐसी कला के जो पारखी हैं, ऐसे श्री चमन डोभाल जी, और बहुत ही मजे हुए, बहुत ही अच्छे आचार्य के रूप में हमारे बीच, जो सिर्फ तबले पर हैं और आचार्यत्व का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार, प्रिय हमारे भतीजे सौरभ बहुगुणा, और जो हमारी लाइट की व्यवस्था देने वाले हैं बेचारे, अब नाम तो है सोलंकी, है सोलंकी साउंड से, आप हमारे साथ एक जगह और भी कथा में रहे, जैसे ही हम आए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, मुझे पता नहीं, पर उन्होंने कहा व्यास जी आपने हमें पहचाना, मैंने कहा यार मैं तो भूल गया हूँ, कई जगह मुलाकात होती रहती है, पर उन्होंने कहा आपने वहां किया था, और ऐसे वहां भी बहुत अच्छा इनका योगदान रहा उस कथा में, वहां देवी भागवत कथा मैंने की थी, उसमें आप थे, आपका बहुत अच्छा योगदान हमारे साथ रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है, इन शब्द पुष्पों के माध्यम से अगर ये पुण्य इसका कुछ मिल पाए, तो मैं उन्हीं आत्माओं जिनके निमित्त यज्ञ किया गया है, उन पुण्य आत्माओं को अर्पित करता हूं, और इन शब्दों के साथ कि आप सब सुखी हों, ये व्यास गादी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती है, आप लोगों के पास श्री वरदस्व आयुष्य आरोग्यम मायुजात पौमानम महीयते धान्यम धनम पशु पुत्र पौत्र लाभम सत्सम वत्सरम दीर्घमायु, सारी मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण हो। जिन लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ मुझे सुना, मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे कोई सुन रहा है, और धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं जिन्होंने मुझे यह स्थान दिया, अन्यथा मैं इसके लायक कहाँ था, पर यह सब पुण्य, ये सब मैं अगर कुछ सुना पाया, कुछ अच्छाई थी, तो मेरे गुरुदेव की कृपा, उनका कृपा प्रसाद, मेरे पितरों का आशीर्वाद, और अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, आप लोगों को लगा कि यहाँ ये कमी है, जो भी कमी थी उसको मैं अपने आप स्वीकारता हूँ, वो कमियां मेरी अपनी हैं, अगर कुछ कमियां लगी हैं आपको तो उनको इन शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही सुशान्तिर्भवतु सर्वं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति निरजायता। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जग में दूर करे ओ जरा जग से मरे स्वामी दुख बिन से मरे